ये देखिए कितनी बारिश हो रही है, और ये देखो कितने काले बादल छाए हुए हैं, कुछ छट रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, ऐसा ही हो रहा है। उधर की साइड कितने काले घने बादल है, बहुत ज्यादा काले घने बादल है। थैंक गॉड आगे का धूप निकल आई है, कृपा हो गई इनकी। फ्रेंड मॉर्निंग के 7:15 हो रहे हैं, और ये देखिए कितना कोहरा हो रहा है, ये देखिए बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा कुछ भी, मतलब यहाँ सामने बिल्कुल भी कुछ पता नहीं है कि इधर सामने क्या है। बहुत ज़्यादा कोहरा छाया हुआ है आज, वास्तव में मेरे को सर्दियों का सबसे ज़्यादा कोहरा लग रहा है आज। और मैंने मंगवाया है किशन भगवान जी का स्टिकर जो मुझे बहुत पसंद है, ये मैं खोल के दिखा देती हूँ आपको, ये देखिए है ना। तो मैं इसको लगाने वाली हूँ यहाँ पर जहाँ मैं पूजा करती हूँ, ये मेरा पूजा घर है मेरे भगवान जी, तो मैं यहाँ पे लगाने वाली हूँ मेरे किशन जी को। तो देखिए मैं किस तरीके से लगाती हूँ, तो पहले मैं क्या ये दीवार है इसको एक मतलब कपड़े से साफ कर लूँगी जो कोई डस्ट मतलब डस्ट वगैरह ना रहे, नहीं तो फिर क्या होता है फिर वो निकलने लग जाती है वो स्टिकर। तो मैंने इसका एक छोटा सा एक आता है तो ये मैंने यहाँ पे लगा दिया है आप। ये है मेरे कृष्ण जी, अब इनको मैं ये मेरे छोटे से बाल गोपाल जी, और ये देखिए ये मेरे बड़े कृष्ण जी, तो कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना। और ये देखिए आपको मैं पास से दिखा देती हूँ, देखो इसमें क्या है नंबर डले हुए हैं, जैसे लास्ट से स्टार्टिंग किया था 1, 2, 3 ऐसे 4, 5 तो 6 और 7, 8 ऐसे ही। इसी तरीके से आपको अगर कंफ्यूजन होता है तो आप इस तरीके से, वैसे तो बहुत सारे लोग जानते हैं पर अगर नहीं जानते हैं तो आप इस तरीके से लगा सकते हो, और देखो आप कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना। आपको मैं अपने दूसरे स्टिकर दिखाऊं, ये मेरे बेडरूम का है और ये मैंने मोर वाला,
ये मेरे को 2 साल हो गए इस मकान मतलब इस घर में, तो ये मेरे बेडरूम बेड मतलब बच्चों ने थोड़ा ख़राब कर रखा है ये देखो, तो ये बेड के ऊपर है जस्ट, बहुत सुंदर लगता है। और मेरे को जिसने भी देखा ना ये, उसने भी सबने पूछा कि ये कहाँ से मंगवाया आपने, और देखिए कितना अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे अभी लगाया है, और इसको 2 साल हो चुके हैं और अब भी ऐसा का ऐसा ही है ये। और ये मेरी बेटी की टेबल है, देखो बच्चे हैं तो ये देखो यहाँ पे ये प्रिंसेस वाला लगा रखा है, ये पेरिस बहुत खूबसूरत लगता है ये। तो वैसे क्या है, मैं पहले नहीं जानती थी कि पहले यहाँ से दीवार से थोड़ी डस्ट वगैरह साफ़ करनी होती है, तो ये देखिए ये मेरे बेटे का है, यहाँ पे हमने ऐसे ही लगा दिया था तो ये ख़राब हो गया है ज़रूर, पर ये ख़राब ऐसे नहीं हुआ है। देखो इसमें क्या है, यहाँ पे धूल वगैरह थी जो उसकी वजह से इसकी जो चिपकने की क्षमता है ना वो थोड़ी सी वीक हो गई है, वैसे अदरवाइज ये बहुत अच्छा है। अब गलती खुद करेंगे तो ऐसा ही होगा। फिर कहता है मेरा बेटा कि मम्मी आपने मेरा ऐसा ही मंगवाया, मैंने कहा नहीं बेटा आपके ऐसा नहीं था। तो देखो सब ने अपने वो कर रखा है। एक स्टिकर ये भी है, ये मेरे रूम घर में एंटर करते हैं ना तभी मतलब ऐसा बहुत सुंदर लगता है देखने में। आप चाहे तो फ्लावर वाला या मोर वाला या आप भगवान जी या गणेश भगवान जी कोई किसी भी तरीके का स्टिकर मंगवाना चाहते हो तो मंगवा सकते हो। जो महंगी महंगी मतलब सीनरी वगैरह आती है उनसे तो ये मुझे काफ़ी हद तक अच्छे लगते हैं और रीजनेबल रेट में होते हैं। 141 की रेट थी किशन भगवान जी की, और ये तो मेरा बहुत भी सस्ता और भी सस्ता पड़ा था, ये सिर्फ मेरे को 60 रुपीज़ में पड़ा था। उस टाइम सेल लगी हुई थी शायद अमेजन पे, तो ये 60 रुपीज़ में पड़ा था और फ्री डिलीवरी था उस टाइम। तो मैंने इसी तरीके से स्टिकर लगाए हैं, अगर आपको भी इस तरीके से लगाने हैं तो आप किसी भी वेबसाइट से मंगवाइए, आजकल तो सभी जगह अवेलेबल है ये ऑनलाइन। तो इस तरीके से मैंने अपने किशन भगवान जी लगाए हैं, आप भी लगाइएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा स्टिकर आपको कैसा लगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, देखते तो हो और सब्सक्राइब भी नहीं करते हो ना लाइक करते हो, तो मुझे अभी आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ इतना तो कर ही सकते हो आप मेरे लिए, और देखो लाइक करने में कोई पैसे नहीं लगते और सब्सक्राइब करने में भी कोई पैसे नहीं लगते हैं, ये है कि मेरे को मोटिवेट मिलेगा आपसे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।